किसान तक आपको बैलों से बिजली बनना और सिंचाई की वीडियो दिखा चुका है। आज हम आपको करनाल के दो देसी बैल हीरा और बादल से मिलवाते हैं, जो अपने मालिक को खूब मुनाफा दिलवा रहे हैं। दरअसल करनाल जिले के खानपुर गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र कुमार ने कुछ अलग कर दिखाया है। उन्होंने करीब 2 साल पहले पुष्तैनी गांव में अपनी जमीन पर देसी कोहलू से तेल बनाने का काम शुरू किया था, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद की जा सके। इसके लिए उन्होंने किसी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दो देसी बैल हीरा और बादल की मदद ली। ये दोनों बैल दिन रात कड़ी मेहनत कर सरसों, नारियल, मूंगफली, तिलहन और अलसी का तेल निकालते हैं। हमारा एक प्रयास था कि जो हरियाणा की या हमारे देश की प्राचीन विरासत थी, जो अपना वर्चस्व खत्म कर चुकी थी, जब लोग उसको भुला चुके थे, कि तेल की असली जो कच्ची खानी का असली तेल है वो इस विधि से तेल बनता है, तो ये कला बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास 8 लाख के आसपास कोल्हू थे, अभी मेरे ख्याल में हमारे देश में 800 भी नहीं होंगे। तो इस कला को हमने दोबारा से सहेजने के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। 2 साल पहले हमने एक कोल्हू से या एक कच्ची खानी से हमने इसको शुरू किया था। अभी हमारे पास 3 कोल्हू चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 20 से 25 कोल्हू यहाँ पे स्थापित किए जाएं और कम से कम 50 बैलों को कटने से या मरने से बचाया जा सके। पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अपने दोस्तों से बात की, तो सभी ने ये कहा कि ये काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जुनून के साथ अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। बता दें कि आज इनके कोल्हू का तेल सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका समेत कई देशों में सप्लाई होता है। ये जी, एक कच्ची घानी या एक घानी में 10 किलो इसमें डलता है बीज एक बारी में। इसको खत्म होने लगते 2 से 2.5 घंटे लगते हैं जी। और सरसों की जो निकलता है, सरसों निकलती है 20 से 22%, और जो मूंगफली का दूसरे में अभी मूंगफली का चल रहा है, मूंगफली में निकलता है 30% के आसपास। तो 2 से 2.5 घंटे में जाके तैयार होता है, 2 या 2.5 या 3 बोतल अलग अलग तेल की तैयार होती है। विदेशों से भी आते हैं फोन पर तेल? हमारा जी अभी US जाता है, हमारा कनाडा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है हमारा, और दुबई जाता है दुबई, और इंडिया में हमारा 22 से 23 राज्यों में जा रहा है अभी। तो 2 साल से हम चला रहे हैं जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है इन तेलों की सहायता से। पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि कोल्हू लगाने पर 60 से 90 हजार रुपए खर्च आता है। अब वो इसी देसी तरीके से बढ़िया कमाई कर रही हैं। ये थी करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक।